सो कैसी चल रही है होली की तैयारियां? जैसी भी चल रही है, प्लीज आई रिक्वेस्ट सब लोग घर के अंदर रहे और सेफ होली खेले, अच्छा अच्छा बना के घर पे सबको खिलाएं और आप भी एंजॉय कीजिए। बाहर निकल के प्लीज होली मत खेलिए, बाहर बहुत ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, तो हैव अ सेफ होली। तो हम लोग इसमें आज हम लोग की वीडियो में देखेंगे, आज मैंने बहुत ही इजी सूजी की गुजिया बनाई है जो आप होली में एंजॉय कर सकते हैं। एक मिनी ड्राई समोसा बनाया है जो आप 10-15 दिन तक आराम से पहले से बना के रख सकते हैं और आराम से बाद में खा सकते हैं। और एक है रैवियोली रबड़ी, तो वो है गुजिया रबड़ी, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। तो वीडियो लास्ट तक देखिए और एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, वेलकम टू केतकी कुकिंग। देयर इज समथिंग फॉर एवरीवन। तो हम लोग पहले स्टफिंग बना लेंगे। स्टफिंग के बहुत सिंपल है, हम लोग बस एक बड़ा चम्मच घी ले लेंगे, 1 टेबलस्पून घी, और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, आपको कैसा स्टफिंग बनाना है, उसमें क्या डालना है। मैं यहाँ पे कोकोनट का स्टफिंग बनाने वाली हूँ, और इसमें हम लोग डाल देंगे थोड़े सा पॉपी सीड्स, यानी खसखस। और हम लोग इसे 1 मिनट के लिए बस इसे सॉटे कर लेंगे, और इसमें डाल देंगे 1 कप ग्रेटेड, या आप मिक्सर में ग्राइंड करके 1 कप कोकोनट डाल सकते हैं। ये कोकोनट का फिलिंग है, ये विद द शुगर है। मैं जैगरी वाला अगर आपको देखना है तो ये ऊपर लिंक है, इसमें 4 टाइप्स के डिफरेंट स्टफिंग की रेसिपीज़ हैं, आप वो भी जाके चेक कर लीजिए। मैंने वो मोदक के लिए स्टफिंग बनाए थे। अब इसमें मैंने डाल दिया 1/2 कप चीनी। कभी भी ये ध्यान रखना है हमें कि 1 कप कोकोनट के लिए 1/2 कप चीनी इनफ है। अगर ज़्यादा चीनी हो जाती है तो वो फ्राइंग के टाइम पे सब वो मेल्ट होके बहुत ज़्यादा बाहर निकलती है और सारे गुजिया फटने लगेंगे, इसलिए 1 कप के लिए 1/2 कप चीनी इनफ होता है। अब जैसे बस हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा पूरा। बस शुगर मेल्ट होने गया तो उसमें हमारे जो भी फ्लेवर्स के लिए हमें डालना है, केसर डालना है, इलायची डालना है, वो आप डाल दीजिए इसमें, और उसके बाद थोड़ा सा इसे पकने दें। अब इलायची को कभी भी शक्कर के साथ या चीनी के साथ उसे बारीक करें, तब वो अच्छे से बारीक होता है, क्योंकि थोड़ी सी इलायची होती है वो अच्छे से बारीक नहीं होती है। अब देखिए, अब पूरा शुगर का जो पानी था वो सब सूख गया है, अब ये स्टफिंग रेडी है। अब हम लोग बाहर का लेयर बना लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप रवा, यानी सूजी, और इसमें डाल दिया है मैंने 1/2 कप मैदा और थोड़ा सा नमक। सो यहाँ पे 2 कप का हम लोग बना रहे हैं लेयर के लिए, कवर के लिए। अब इसमें डाल दिया मैंने 3 बड़े चम्मच घी, 3 टेबलस्पून घी डालना है हमें, और इसे अच्छे से मिक्स करना है सूजी और मैदे के साथ। अच्छा क्रमली टेक्सचर होना चाहिए उसका, और अच्छे से मिक्स करके हम लोग एक अच्छा सा एक टाइट डो बना लेंगे। ज़्यादा पानी एकदम से नहीं डालना है, धीरे धीरे पानी डाल के धीरे धीरे मिक्स करना है, और जैसे सूजी थोड़ा पानी सोख करता है तो आप इसे थोड़ा और पानी डाल के फिर से मिला सकते हैं। एकदम भी कड़क डो नहीं चाहिए हमें, रोटी से थोड़ा सा, और इसे हम लोग आधे घंटे के लिए गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। अभी हम लोग ये डो के इक्वल साइज के बॉल्स कट कर लेंगे, या आप इक्वल साइज के पोर्शंस कट कर लेंगे, जिससे हम लोगों की जितनी रोटियां बेलनी है हमें, यानी इक्वल साइज की रोटी बने। मैं यहाँ पे 5 बनाने वाली हूँ, तो आप उसको अच्छे से डिवाइड करके 5 बेल लीजिए रोटी। अब बस हम लोग एक बॉल लेंगे, इसमें घी का ही हाथ लगाना है हमें, इसमें कोई आटा या अब एक पतली सी रोटी बेल लेंगे हम लोग। देखिए, इतनी पतली रोटी बेलनी है हमें, और ऐसी सारी रोटी बेल के हम लोग एक साइड में रख देंगे। देखिए, अब मैंने 5 रोटियां बेल ली है। अब हम लोग एक पहले चपाती लेंगे, अब उसमें हम लोग अच्छा सा, ये मेल्टेड सा घी है, आप इसे, कोई लोग इसमें घी में कॉर्नफ्लावर या राइस फ्लावर मिक्स करके ऐसे एक पेस्ट बना लेते हैं। अब आपको उसे बनाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं। मेल्टेड घी लगाइए और उसमें कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कर दीजिए। देखिए, अच्छे से कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कीजिए, अच्छे से कॉर्नफ्लावर स्प्रिंकल कीजिए, और अच्छे से फैला दीजिए उसे। ये ऑप्शनल स्टेप है, फैलाना है अगर आपको तो फैला सकते हैं, नहीं भी फैलाना है तो भी चलेगा। और इसी के ऊपर हम लोग दूसरी बेली हुई रोटी डाल देंगे,
अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि आपको पता चले अगर मेरा नेक्स्ट का वीडियो आ रहा है तो। और फिर से सेम स्टेप करेंगे हम लोग, फिर से थोड़ा सा घी लगा लेंगे उस पर, मेल्टेड घी रखना है, रूम टेम्परेचर घी नहीं रखना है, मेल्टेड उसे अच्छे से गर्म कर लीजिए तो वो अच्छे से सब तरफ स्प्रेड होता है, और फिर उसमें कॉर्नफ्लोर स्प्रिंकल कर दीजिए। कॉर्नफ्लोर अच्छे से स्प्रिंकल करना है हमें। और उसी तरह हम लोग उस पर थर्ड चपाती रख देंगे हमारी, थर्ड जो बेली हुई थी। इसको अच्छे से हल्के हाथ से थोड़ा प्रेस कीजिए कि सारे ये जो लेयर्स हैं अच्छे से चिपक जाए, बस इसी तरह सारी लेयर्स को रिपीट करना है हमें सेम प्रोसेस से। जितनी ज़्यादा रोटियाँ होगी उतने ज़्यादा आपके लेयर्स हो जाएंगे, इसलिए 5 रोटीज इनफ होती है अच्छे लेयर्स के लिए, इससे काफ़ी लेयर्स आ जाएंगे हमारी। और ये बाकी की सारी रेसिपीज़ है मिठाइयाँ की, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं, दिवाली पे आप वो सारी मिठाइयाँ ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत सिंपल रेसिपीज़ हैं। खोया है, कंडेंस मिल्क है, आप उसे भी जाके चेक कर लीजिए। अब देखिए ये जो हमारा लास्ट लेयर है इसमें भी हम लोगों ने लगा लिया है कॉर्नफ्लावर और घी। अब हम लोग क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हल्के हाथ से बेल लेंगे। बेलने से क्या हो जाएंगे, जो हमारी सारी लेयर्स थी वो अच्छे से एक दूसरे को चिपक जाएगी। देखिए ये 5 चपातीज हम लोगों ने बेली थी। अब फिर से इसमें लास्ट टाइम हम लोग अभी थोड़ा सा घी और थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर लगा लेंगे। और इसे टाइट सा हम लोग रोल कर लेंगे। देखिए अच्छे से लेयर सारे दबा के उसको अच्छे से टाइट फोल्ड कीजिए, नहीं तो हम लोग जब इसे गुजिया को फ्राई करेंगे तो वो सारी लेयर्स निकल जाएंगी, तो वो हमें नहीं चाहिए, इसलिए अच्छे से टाइट रोल कीजिए और थोड़ा सा प्रेस करते करते रोल करें उसे। अब जो हमारी सारी साइड्स है वो कट कर लीजिए। अब देखिए कितने सुंदर लेयर्स आ गए, एक उंगली के डिस्टेंस से आप अगर आप सारे कट करेंगे तो आपकी गुजिया भी इक्वल साइज की गुजिया बन जाएगी। तो हमेशा ये ध्यान रखें एक एक उंगली के माप से आप इसे कट कर सकते हैं, इससे आराम से 9 से 10 गुजिया बन जाएगी अपनी। अब इसे भी गीले कपड़े से ढक के रखना है हमें, नहीं तो ये सारी सूखने के बाद अगर अगर इसके लेयर सूख गए ना तो ये गुजिया फटने लगेगी, तो ये हमेशा हमें गीले कपड़े से ढक के रखना है। अगर डो है या अगर आपने ये बेल के रखी है या आपने इसे कट करके रखा है, हमेशा गीले कपड़े से ढक के रखे उसे। अब देखिए अब इसे हमें थोड़ा सा मोटा बेलना है, एकदम पतला भी नहीं बेलना है, नहीं तो ये क्रैक हो जाएगी जब हम लोग इसे फ्राई करेंगे। अब देखें जिधर लेयर्स आए हैं उस तरफ से हम लोग इसे फोल्ड करेंगे। ये हमारा स्टफिंग रेडी है, और ये थोड़ा सा पानी यहाँ पे मैंने थोड़े से बेल के रखी थी। अब देखिए इसमें हम लोग अच्छा सा स्टफिंग भरेंगे। अच्छा इनफ सा स्टफिंग भर सकते हैं, ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपकी ये गुजिया फट जाएगी या कुछ हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए अब इसे हम लोग अच्छे से पानी लगा के बंद कर देंगे इसके एजेस, अच्छे से टाइट प्रेस कीजिए इसे, नहीं तो वो फ्राई करते वक्त फट जाएगी, इसलिए पानी से अच्छे से प्रेस करिए और इसे फोल्ड कर दीजिए, ऐसे इसको सील कर दीजिए ऐसे सुंदर डिज़ाइन से। अगर आपको ये नहीं होता है ये फोल्डिंग प्रोसेस, तो आप इसे फोक से भी बंद कर सकते हैं या नॉर्मल कट भी कर सकते हैं, लेकिन प्रेस करके। हम लोग इसे मराठी में मुरट बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, अगर किसी को पता होगा तो आप इसे प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि हिंदी में ये मुरट को क्या वर्ड है। देखिए कितनी सुंदर बनी है ना। इसी तरह हम लोग सारी गुजिया को फिल कर लेंगे और रेडी करके रख देंगे। रेडी होने के बाद हमें इसे 10 मिनट्स के लिए रखना है बिफोर फ्राइंग। ये 10 मिनट्स मैंने ढक के रखी थी गीले कपड़े से। अब तेल गर्म होने के बाद हम लोग इसमें धीरे धीरे डालेंगे। तेल एकदम भी गर्म नहीं होना चाहिए, मीडियम हॉट होना चाहिए, तब हम लोग इसमें गुजिया डालेंगे। और एकदम नाजुक हाथ से, एकदम हल्के हाथ से मैं बोल रही हूँ आपको, बहुत धीरे धीरे करके इसे इसमें फ्राई करें,
और एकदम ये जो हमारा इसे पलटना है या कुछ भी करना है, बहुत नाजुक हाथ से कीजिए उसे, नहीं तो ये लेयर्स है ना जो सारे फट जाएंगी। और गैस कभी भी लो टू मीडियम ही रहे, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। और गुजिया बिल्कुल भी कलर चेंज नहीं होनी चाहिए, गुजिया का वाइट ही रहना चाहिए, इसलिए गैस को मीडियम से लो ही रखना है। देखिए कितने सुंदर लेयर्स निकले हैं इसके, ऐसे सारी का लेयर्स निकलेंगे तो आप देखिए। और कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ये वाइट ही रहनी चाहिए। अब बस इसमें जो आपको ड्राई फ्रूट्स डालने हैं, केसर डालना है, उसी के साथ सर्व कीजिए। बस इसके लिए हमें चाहिए 1 कप मैदा। अगर आपको पूरा मैदा नहीं लेना तो आप आधा कप आटा ले सकते हैं गेहूं का, और आधा कप मैदा। और इसमें डालेंगे हम लोग थोड़ा सा अजवाइन। अजवाइन को हमेशा क्रश करके डालिए, मैं हमेशा बोलती हूँ, तो उसी तरह क्रश करके डालिए, अच्छा फ्लेवर आएगा उसका। और इसमें डाल देंगे हम लोग थोड़ा सा नमक, नमक अपने हिसाब से डाल सकते हैं, मैंने थोड़ा सा आधा टीस्पून डाला है नमक। और इसको अच्छे से मिला लेंगे हम लोग। जो मेरे चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आया उन सभी का वेलकम। और अब हम लोग इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच घी। घी ही डालना है हमें, घी नहीं अगर है तो अमूल बटर भी डाल सकते हैं उसको मेल्ट करके। और घी और मैदे को हम लोग को अच्छे से मसल के मिक्स करना है। जब तक हमें एक अच्छा एक डो बन जाए उसको मिक्स करते करते, तब तक हमें मिक्स करते रहना है इसे। 2 से 3 मिनट आराम से आप इसे मिक्स कर लीजिए घी को मैदे के साथ। देखिए कितना अच्छा बॉल बन रहा है। तो ये राइट टाइम है हमें इसमें पानी डालने के लिए। देखें ऐसा टाइट अगर डो बन जाता है आपका, तो बस तब तक आपको मैदे और घी को मिक्स करना है। इसमें तेल मत डालिए, गरम तेल, ठंडा तेल, कोई तेल मत डालिए इसमें। अब हम लोग पानी लेंगे और पानी से धीरे धीरे इसे मिक्स करेंगे। अब पानी हमें इतना ही डालना है कि जिससे सिर्फ आटा एक एक साथ एक डो बन जाए बस। बिल्कुल भी नरम आटा मत लगाना है इसका। अगर जितना नरम आटा लगेगा उसका उसका जो पपड़ी होगा ना ऊपर का समोसे की, वो एकदम नरम बनेगी। तो इतना ही लगाए जैसे आटा एक साथ हो जाए बस। आप देख रहे कितना कड़क आटा है। अब हम लोग इसको 30 मिनट के लिए गीले कपड़े से ढक के रख देंगे। अब हम लोग बनाएंगे इसका स्टफिंग। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बूंदी ले लिया है, खारा बूंदी, और यह है थोड़ा सा खट्टा मीठा वाला मिक्सचर, और यह है सेव। आप घर में जो फरसान पड़े होंगे ना आप वो ले सकते हो, और उसमें सेव डाल दीजिए। अब इसमें डाल दिए लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए, ज़्यादा नहीं, और धनिया पाउडर डाल दीजिए इसमें, थोड़ा सा जीरा। अब ये ऐसा ही होता है बाहर के समोसों में भी, बैटर। और ये है सौंफ। आपको लग रहा हो कि ये मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन आप जब इसे बना के देखेंगे ना और खाएंगे तब मुझे पक्का याद करेंगे कि अरे हाँ ये तो बाहर जैसा ही लग रहा है बिल्कुल। और इसे हम लोग पीस लेंगे, एकदम दरदरा पीसना है हमें इसे, बिल्कुल भी ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है। जो सेव है ना वो सेव थोड़ी सी दिखनी चाहिए हमें, जो बाहर के समोसे में होती है ना, जो मिनी ड्राई समोसे में हम लोग जो बाजार से लाते हैं, थोड़े थोड़े सेव दिखते हैं उसमें, खट्टा मीठा टेस्ट होता है उसमें। तो बस अब हम लोग इसमें डाल देंगे थोड़ी सी तिल और थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, तो थोड़े किशमिश डाल देंगे कट करके, और थोड़े से काजू, ये भी रहता है बाहर के समोसों में। अब इसमें डाल देंगे हम लोग मेन इंग्रेडिएंट, वो है इमली की चटनी। इमली की चटनी अगर आपकी बाहर की है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अगर आपने घर पे बनाई है गुड़ और इमली की चटनी तो इसे अच्छी तरह से पका ले, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये हमारे समोसे ज़्यादा दिन नहीं चलेंगे। और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी चीनी, जो खट्टा मीठा नमकीन वाला जो फील आता है ना, बस ये सारी चीज़ों से आता है। ये जो इमली की चटनी है ना ये इम्पॉर्टेंट है इसमें, तो इमली की चटनी अगर नहीं है तो आप टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। और फिर हो गया, इतना इजी है। ये जो स्टफिंग है ना आपका, ये स्टफिंग से आप वो ड्राई कचौरी भी बना सकते हैं, बाकरवड़ी भी बना सकते हैं, और समोसे भी बना सकते हैं। ये स्टफिंग से हम लोग पराठे भी बना सकते हैं, आप बिंदास पराठे भी बना लो जी इससे। ये जब लास्ट में बच जाएगा ना थोड़ा, तो आप इसके पराठे भी बना लो। अब देखिए थोड़ी सी मोटी सी रोटी बेलनी है हमें, ओवल शेप में मोटी रोटी बेलनी है हमें।
और इसको हम लोग बीच से कट कर लेंगे। कभी भी समोसे बनाते हो गोल रोटी नहीं बेलनी है, थोड़ी ओवल बेलनी है। बाहर के समोसे जो देख ले ना आपने, जो सिंगाड़ा खाते हैं आप बाहर का, थोड़ा सा उसका जो कवर होता है थोड़ा सा मोटा होता है और अंदर से स्टफिंग भी अच्छे से भर के होती है। तो देखिए अभी हम लोग बनाते हैं। इसके एजेस पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हल्के हाथ से और इसको हम लोग ट्रायंगल फोल्ड कर लेंगे। इसका जो कॉर्नर है उसको हाथ से प्रेस कर देंगे और उसका एज भी थोड़ा सा दबा लेंगे। अच्छे से प्रेस कर लीजिए ये फोल्ड जो है, इसमें से अगर नहीं तो मसाला सारा बाहर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग डाल देंगे स्टफिंग, ज़्यादा भी नहीं डालनी है और कम भी नहीं डालनी है, तो जो ऐसा समोसा का शेप आ सके इतना स्टफिंग भरना है उसमें हमें। अब फिर से हम लोग एजेस पे थोड़ा सा पानी लगा लेंगे हल्के हाथ से। अब देखिए इस अलग स्टाइल से इसको फोल्ड करना है। एक पूरा फोल्ड इधर लेके जाइए लेफ्ट साइड में, अब ये पूरा फोल्ड इसको अंदर फोल्ड कर दीजिए। देखिए ये जो बनता है ना बाहर जो मिलता है ऐसा ही गोल मटोल सा होता है, एकदम क्यूट सा गोलू गोलू, तो इसी तरह से बनता है वो। अगर आप इसे नॉर्मल समोसे की तरह फोल्ड करोगे तो ये ऐसे गोल नहीं बनेंगे। अब बस इसे हल्के गरम तेल में ही डालना है, एकदम तेल एकदम हाई फ्लेम पे गरम करके उसमें नहीं डालना है हमें समोसे। तेल एक बार गरम हो जाए आपको उसमें समझ में आता है, थोड़ा सा आप इसमें आटा डाल के देखिए और हल्के गरम तेल में इसे डाल दिए। अब ये समोसों को आराम से मीडियम से लो फ्लेम पे ही होने दे, हाई फ्लेम बिल्कुल भी मत करना। हाई फ्लेम करोगे तो उस पर वो जो बबल्स आ जाएंगे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते हैं समोसे पे। तो आप इसे आराम से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही होने दें। इसे आराम से लग जाएंगे 8 से 10 मिनट। 8 से 10 मिनट आराम से पेशेंस रखिए आप, बिल्कुल गैस को हाई मत कीजिए और समोसे को फ्लिप करते रहिए। अगर आपको इसे भी छोटे बनाने हैं तो इससे भी छोटे बना सकते हैं। देखिए अब ये अच्छा सा कलर आने लग गया है इसमें। अगर आप इसमें थोड़ा भी गैस को हाई करेंगे ना तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, वो प्लीज गैस हाई मत करना। मैं बार बार बोल रही हूँ ये बात, तो इसलिए प्लीज मान लीजिए। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन हमें स्टफिंग के लिए कुछ भी टाइम नहीं लगा है, तो आप उसे फ्राई करने में अच्छा टाइम दीजिए। देखिए बन गया है, कितना अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया। ज़्यादा भी फ्राई मत कीजिए उसको, एकदम से कड़क हो जाएंगे नहीं तो। और बस बन गए, कितने क्यूट है ये छोटू से। अब देखिए इसे तोड़ के इसके अंदर का जो मसाला है ना वो भी अच्छे से भरा होगा। अब ये थोड़ा गर्म है इसलिए देखिए स्टफिंग भी अच्छे से है और जो हमारा ऊपर का लेयर है वो भी अच्छा फ्लेकी और खस्ता बना है। We'll be right back.
आई होप आपको मेरा वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा. प्लीज हैव अ सेफ होली और बहुत सारा एंजॉय कीजिए, बहुत सारा हेल्दी खाइए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी होली.